हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, अब यहाँ से एग्ज़ाम में रह गया है पूरा एक महीना। अगर मैं आपसे बात करूँ तो पूरा एक महीना आपके एग्ज़ाम में रह गया है। 11 नवंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। सो गाइस, यहाँ अब टेंशनें थोड़ी बढ़ जाएंगी, ये बात सत्य है। एक अलग सी घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाएगी एग्ज़ाम वाली अभी से ही। लेकिन यहाँ ऐसे में आपको अब संयम से काम लेना होगा, अपनी पूरी जान जितनी आप लगा सकते हैं झोंक दीजिएगा, एक प्लानिंग के तहत काम कीजिएगा। मैंने आपको बताया बच्चों, ध्यान रखें, एक खूबसूरत सा टाइम टेबल बना लीजिएगा और रोज़ाना का टारगेट बनाना है। अब आपको डेली बेस्ड टारगेट बनाना है। अब आपको 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का या एक महीने का टारगेट नहीं बनाना है। डेली टारगेट बनाइएगा कि मैं आज इतनी वीडियो किरण से, इतनी वीडियो MB से, इतनी तैयारी वहाँ से, जो भी आप कर रहे हैं यहाँ से, मतलब आप एक पूरी प्लानिंग बना लीजिएगा, मुझे इतना करना ही करना है। जब तक वो पूरे दिन में ना हो जाए तब तक सोना नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग। अगर जल्दी हो जाए तो आप जल्दी सो जाइएगा, लेकिन एक पूरी प्लानिंग के साथ में काम कीजिएगा। यहाँ से आप जितना ज़्यादा दे पाएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी तैयारी के लिए, उतना ज़्यादा आप लोग गेन कर पाएंगे, ध्यान रखें। वास्तव में सही बात तो यह है गाइज, ये घबराने का नहीं, ये प्लानिंग से काम करने का है। आप लोग इतने समय से मेहनत कर रहे हैं गाइज, सिलेक्शन आपका ही होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए गाइज, 100% आपका होगा। आप लोगों ने वो बुक्स किए हैं जो किसी ने नहीं किए हैं, किरण और MB, मिरर, ये बड़ी बड़ी बुक्स आपने किए हैं गाइज, 100% सिलेक्शन आप लोग लेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा पूरा 100% कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। देखिए गाइज, सभी लोग तैयारी करेंगे और सभी लोग सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं गाइज, लेकिन सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखें, क्योंकि प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। फिर बाद में पछताने से अच्छा होगा कि आप अभी उस प्लानिंग पर वर्क करें अपनी। कहीं भी अगर आपको डाउट हो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ओनली सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज, आप कॉल हमें ना करा करें, क्योंकि अगर आप लोग कॉल करेंगे तो हम लोग आपके लिए वीडियो कब बनाएंगे, ध्यान रखें। व्हाट्सअप पर ही हम लोग आपको रिप्लाई दे देते हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सो गाइस, यहाँ आप लोग एक पूरी प्लानिंग के साथ में काम कीजिए अपनी। जितनी अच्छी आपकी एक प्लानिंग होगी उतनी ही अच्छी रणनीति के साथ आप मैदान में उतरेंगे। अगर आप बिना प्लानिंग के, बिना रणनीति के मैदान में उतर रहे हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी और लापरवाही को दर्शाएगा। मेरा काम आपको समझाने का है, मोटिवेट करने का है, वीडियो बनाने का है, उसके बाद आपका काम है। मैंने आपसे कहा गाइज, रिटर्न की जिम्मेदारी मेरी है, स्किल की जिम्मेदारी आपकी। हम लोग कल से आपके लिए, यानी कि मंडे से, यानी कि 11 अक्टूबर से आपके लिए एक न्यू बैच SSC स्टेनो के 20 सेट्स प्रीवियस ईयर्स में आए हुए का सोल्यूशन करवाने वाले हैं शुरू। वो आपका कल से शुरू हो रहा है ओनली 129 रुपीज़ में। अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, हालांकि उसकी सभी को ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं ऐसा दबाव बनाऊंगा तो लगेगा शायद मैं अपना कोर्स बेचना चाह रहा हूँ। हालांकि इतनी महंगी चीज़ ये नहीं है, मैं एज ए गाइड आपको सलाह दे रहा हूँ, एज ए मेंटर आपको सलाह दे रहा हूँ, एज ए कोर्स बेचने के हिसाब से नहीं। तो आप एक प्लानिंग से काम करें, अगर आपको लग रहा है मुझे ज़रूरत है तो आप ले लीजिएगा, मैं दबाव नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ एक महीने में जितना कुछ आप लपेट सकते हैं लपेट लीजिएगा, और टारगेट ऐसा भी नहीं कि आप बहुत छोटा सा बनाएं आज का, कि बस बहुत छोटा टारगेट बना लिया है, जिसमें कम से कम 10 से 12 घंटे का स्टडी प्लान होना ही चाहिए, कम से कम ध्यान रखें बच्चों, तब जाकर के आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा। सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ सिर्फ एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए अपना एक महीना। जो करना है एग्ज़ाम के बाद कीजिएगा, कहीं जाना छोड़ दो अब, कहीं घूमना छोड़ दीजिए अब आप लोग, सिर्फ और सिर्फ ओनली फोकस कीजिए एग्ज़ाम पर। ओके गाइस, 100% दीजिए अपना, 100% लीजिएगा, क्योंकि यही समय है आपको एग्ज़ाम क्रैक करने का। चलिए गाइस, मैं तो चलता हूँ फिलहाल अभी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। आप लोग तैयारी कीजिए अपनी, लग जाइएगा 100% एक्यूरेसी के साथ में। फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।